मधेपुरा जिले में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न प्रखंडों में रविवार को रंगों का त्यौहार होली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दो दिनों तक शहर से लेकर गांव तक लोग होली की मस्ती में डूबे रहे। होली के पूर्व संध्या पर शनिवार को जिला मुख्यालय के पुरानी बाजार एवं बंगला दुर्गा मंदिर परिसर में होली का दहन किया गया। रविवार को होली खेली गई। इस मौके पर आम से लेकर खास लोगों में होली को लेकर काफी उत्साह व उमंग उछाल मार रहा था। चारों तरफ जश्नुमा माहौल बना रहा। रविवार की सुबह से ही शहर के लोग होली के रंग में रंगते नजर आए। हर कोई होली के सतरंगी रंगों में सराबोर ठीक दिखे। वहीं कई जगहों पर जोगीरा के लिए जमावड़ा भी रहा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी का उत्साह एक जैसा लग रहा था। हालांकि इस वर्ष होली में कोरोना संक्रमण का असर सड़कों पर साफ तौर पर दिखा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सड़कों पर कम लोग दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ होली को देखते हुए चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था के सामने हुड़दंग करने वालों की एक न चली। जिले के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। साथ ही कमांडो टीम एवं पुलिस बल द्वारा लगातार गश्ती किया गया। इसके अलावा जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीना, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय नारायण यादव, सदर अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी आर्य गौतम एवं सदर थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह द्वारा लगातार शहर में गश्ती किया जा रहा था तथा सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा था। हालांकि जिला मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर छिटपुट घटनाएं होती रही। जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी से होली जैसे पर्व में मौसम का मिजाज बदला सा दिखा। होली में सड़क पर तेज रफ्तार बाइक की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, जिससे सड़क दुर्घटना में ब्रेक लगा। हर तरफ शांतिपूर्ण व हर्षोल्लासपूर्ण लोगों ने होली मनाई। शहर से लेकर गांव तक खुशी का माहौल देखा गया। वहीं रंगों के त्यौहार होली के पर्व के अवसर पर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा एक दूसरे को बधाइयां दी गई।